फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट था, हमने एक डेफिनेशन की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो हमारा जो एक्सचेंज रेट था उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड दूसरा है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो आइए समझते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। नाम पे हम एक बार फोकस करेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको हम इजीली फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्लक्चुएट मींस जिसको हम जिसमें बदलाव कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। और फिक्स्ड मतलब समझ रहे हो, जो फिक्स है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो आइए एक बार इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट रेट विच डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड फोर्सेज इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट। यहाँ कहा गया है कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जो डिटरमाइन किया जाता है, जिसको निकाला जाता है सप्लाई डिमांड फोर्सेज, सप्लाई और डिमांड फोर्सेज के द्वारा फॉरन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है ना। याद रखना, सप्लाई डिमांड फोर्सेज के द्वारा। तो एक क्वेश्चन बन सकता है हमारा, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा सप्लाई डिमांड फोर्सेस के द्वारा। इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। फ्लोटिंग मैंने बताया था बहना, फ्लोट माने होता है बहना, मींस जिसमें बदलाव किया जा सकता है, जो फ्लोट करता है, फ्लक्चुएट करता है। इट इज आल्सो नोन एज, और उसको एक चीज और कहा जाता है, क्या? फ्री एक्सचेंज रेट। फ्री एक्सचेंज रेट जिसमें पैसा डिसाइड कुछ भी किया जा सकता है, फ्री है वो, ठीक है ना। जिसमें कोई भी जो क्या कहते हैं, जो एक्सचेंज रेट है हमारा वो फ्री होता है। बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द, अभी फ्री एक्सचेंज रेट क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ, क्योंकि ये डिसाइड किया जाता है फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। फ्री प्ले मार्केट पढ़ा था आपने 11th क्लास में भी, हमारे 12th में भी है। फ्री प्ले मार्केट वो मार्केट होता है जिसमें ऑल द एक्टिविटीज विच आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया जाता है। तो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस के द्वारा जो डिसाइड किया जाता है इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, इंटरनेशनल मनी मार्केट में कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक डेफिनेशन है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एक ऐसा रेट है जिसको हमारा जो डिमांड सप्लाई जो फोर्सेस होता है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसको फ्लोट एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। आइए समझते हैं कि इसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो डिटरमिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटरमिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जो डिमांड एंड सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, बेसिक उसके टू डिटरमिनेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। तो आइए समझते हैं, पहला क्या हमारा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए डिमांड क्या है, डिमांड किस प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज का होता है। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। यहां पे कहने का मतलब है अदर थिंग्स होंगे हमारे कांस्टेंट, और जो डिमांड है उसका इनवर्सली रिलेशन होता है किसके साथ? प्राइस के साथ। ये हमने अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि डिमांड का और प्राइस का, इन दोनों का कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? कि डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, मतलब प्राइस कम हो रहे हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है मींस लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की। अब लोग ज्यादा डिमांड कब करेंगे? जब उसके प्राइस कम होंगे। अब जब प्राइस बढ़ गए, मान लो अब प्राइस बढ़ गए, हाई हो गए किसी प्रोडक्ट के, तो डिमांड सीधी बात है, ऑब्वियसली बात है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, अदर थिंग्स में रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब अदर थिंग्स में कौन कौन सी चीज को रखा गया है, एक बार डिस्कशन कर देता हूँ। प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम होती है हमारी, एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे, और प्राइस रिलेटेड टू गुड्स होते हैं हमारे। तो ये सब हमारे अदर थिंग्स है जो कि हमको कॉन्स्टेंट रखने, जो कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता था। तो यहाँ पर हमको सीधी बात याद रखनी है कि डिमांड का और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है। तो हाई रेट ऑफ फॉरेन करेंसी मीन्स फॉरेन करेंसी का हाई रेट है तो लो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यदि जब उसके रेट हाई हैं तो लोग कैसे करेंगे, डिमांड उसकी कम कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्राइस के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है।
अब प्राइस हो गए ज्यादा तो लोग कैसे करेंगे डिमांड को कम, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले जो रेट था हमारा वो कितना था, 50 रुपये था, तो हम कितने क्वांटिटी खरीदे थे, 5 क्वांटिटी खरीदे थे, मैंने 5:1 का ले रखा है, मीन्स यहाँ पे US डॉलर का मैंने वो कर रखा है, तो 50 रुपये में $1 आता था। अब देखिए प्राइस बढ़ करके 70 हो गए, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो आप बताइए आप कम खरीदोगे ज़्यादा खरीदोगे, तो सीधी बात है जब 50 थे तब तो हम 1 खरीद रहे थे, अब उसके प्राइस 70 हो गए तो हम डिमांड कम कर देंगे। तो देखिए 50 रुपये थे तो हम 5 क्वांटिटी खरीद रहे थे, अब जब 70 हो गए तो हमने 1 क्वांटिटी कम कर दी, क्योंकि सीधी बात प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी तो डिमांड हम कम कर देंगे। तो ये था हमारा डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज। अब सेकंड है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज। अब बताया था कि दो डिटरमिनेंट्स थे उसके बेसिक, तो पहला था हमारा डिमांड ऑफ फॉरन एक्सचेंज, सेकंड है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज। समझते हैं डिमांड के साथ समझ लिया, अब समझते हैं हम सप्लाई के साथ। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, मीन्स फिर से सेम है, अदर थिंग्स सप्लाई में भी हमारे कॉन्स्टेंट रहेंगे। सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज, फॉरन एक्सचेंज का सप्लाई इज पॉजिटिव रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरन एक्सचेंज। सप्लाई के साथ प्राइस का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि डिमांड के साथ तो हमारा नेगेटिव था बट इसके साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है समझते हैं। देखिए जब 50 रुपये थे $1 के लिए, ठीक है, $1 को खरीदने में 50 रुपये लग रहे थे, अब 70 रुपये हो गए उसी $1 के लिए। तो देखो सप्लाई में हमको एज अ प्रोड्यूसर सोचा जाता है और डिमांड में हमको एज अ कंज्यूमर सोचना पड़ता है। अब आप समझो अपने आप को प्रोड्यूसर, मींस आप बेचने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस 50 रुपये थी, आप समझना आप प्रोड्यूसर हैं, तो किसी प्रोडक्ट के रुपये कितने थे, 50 रुपये के थे, तो आप एक क्वांटिटी बेच रहे थे, ठीक है, या फिर क्वांटिटी समझ लिए फोर क्वांटिटी बेच रहे थे जब किसी प्रोडक्ट के कितने रुपये थे, 50 रुपये थे। अब बढ़ करके वो 70 रुपये हो गए, तो आप कम बेचोगे ज़्यादा बेचोगे, तो सीधी बात है अब ज़्यादा ही बेचोगे, क्योंकि सब समझना एक प्रोडक्ट है जिसके तुमको 50 रुपये मिल रहे थे, अब वो सेम प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, अब उसके कोई तुमको 70 रुपये दे रहा है, तो आप सीधी बात है सप्लाई को बढ़ा दोगे। तो यही पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके साथ, प्राइस के साथ, कि प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर वो ज़्यादा ही सप्लाई करेगा क्योंकि उसको उसी प्रोडक्ट के ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। बट डिमांड के साथ ये नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे तो भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है कंज्यूमर के पास, तो कंज्यूमर उसके डिमांड को कम कर देता है। तो ये है हमारा सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज। थैंक यू।